गाइज अगर आप लोग भी अपनी गिल्ड का लेवल बढ़ाना चाहते हो या फिर अपनी गिल्ड को लीडर बोर्ड में लेकर आना चाहते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज हमारी गिल्ड वो लीडर बोर्ड में जो है हमारी 99 नंबर पे चल रही है। अगर गाइज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो गाइज 8 नंबर पे हमारी गिल्ड चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पुश करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि बंदों को सारे को एक साथ रखना, सबको खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट गाइज मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप लोग आसानी से यहाँ पर पुश कर सकते हो, आप लोग भी अपनी गिल्ड को लीडर बोर्ड में लेकर आ सकते हो। एंड आप लोग भी ये बैच जो होता है ना, जो इंडिया में 99 नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, उसका तुम बैज अपने ऊपर लगा सकते हो। चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर, मेरे ऊपर लगा पड़ा है तुम लोग देख सकते हो लॉबी में, या फिर आप लोग अपना लेवल बढ़ा करके इस तरीके रिमोट निकाल सकते हो, अच्छे अच्छे रिवार्ड निकाल सकते हो, बहुत तेजी से आप लोग अपनी गिल्ड का लेवल बढ़ा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो गाइस लेवल 6 पे यहाँ पर काफी खतरनाक खतरनाक रिवार्ड यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ जो है परचेज करके रखे हुए हैं। तो गाइस आप लोग भी यहाँ से इजिली भाई बढ़ा सकते हो लेवल, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोग को बताऊंगा, उसको अच्छे से फॉलो करना एंड भाई आप लोग आसानी से लेवल बढ़ा लोगे या फिर रीजन पुश कर सकते हो। तो गाइस चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जितने भी मेरे गिल्ड से बंदे देख रहे हो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि तुम्हारे भी इसमें काम की चीज़ होने वाली है। क्योंकि कुछ बंदों को नहीं पता कि गिल्ड वॉर में कैसे पुश करा जाता है, वो बंदे अंधाधुन खेलने पर लगे हुए हैं भाई, जो चीज़ करनी है वो कर नहीं रहे हैं, जो चीज़ नहीं करनी है वो चीज़ वो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देख लेना, सुन लेना अच्छे से, ताकि तुम लोगों को भी आसानी हो गिल्ड वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कमाने में, एंड तुम लोग भी भाई अपनी गिल्ड में जो है एक्टिविटी लीडर बोर्ड में नहीं, गिल्ड वॉर वाले लीडर बोर्ड में, जैसे कि देख सकते हो गोलू यहाँ पर 204 पॉइंट करके रखा हुआ है, मैट्रिक्स ने कर रखे हैं 167 पॉइंट करके रखे हुए हैं, एंड चिन मैंने 153 करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से तुम भी अपनी गिल्ड में टॉप 3 के अंदर आ सकते हो एंड यहाँ पर शो कर सकते हो, अपने लाइव वगैरह भी बढ़ा सकते हो एंड थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा सकते हो गिल्ड में। तो भाई आप लोग इजीली बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज़ गाइज देखो, मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ, मेरे को पता है गाइज, बट मैं कुछ दिनों अभी इनएक्टिव रहने वाला हूँ, देखो फरवरी तक, क्योंकि तुमको पता है 12th में हूँ तो मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा सा जो है दिक्कत चल रही है अभी के टाइम पे, उतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। 5-5, 6-6 दिन में वीडियो आ रही है, गेम में मैं थोड़ा बहुत इनएक्टिव हूँ, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इनएक्टिव हूँ, बट भाई मैं फरवरी के बाद भी, मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे फरवरी मार्च के बाद, मैं फुल एक्टिव होने वाला हूँ गाइज। हम लोग अपनी गिल्ड को ऑलवेज रीजन पर रखा करेंगे एंड जो हमारी सेकेंड गिल्ड रहेगी उसमें हम लोग सारे गेम प्ले वाले भरेंगे, उसका गिल्ड टेस्ट वगैरह लेके, एंड वो गिल्ड भी एकदम खतरनाक तरीके से चलने वाली है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली गाइस, आप लोग भी वहां पर इजीली ज्वाइन कर सकते हो गिल्ड को एंड वहां पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे जब मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो चलो गाइस सबसे जो मेन इन सब चीजों को बात हो भाई, इन सब बातों को साइड में रखते हैं एंड जो मेन पॉइंट था हमारा उसके ऊपर आते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी लीडर बोर्ड में कैसे टॉप पर आ सकते हो, या फिर अपनी गिल्ड का लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर गिल्ड वॉर में आप लोग कैसे पुशिंग कर सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उन चीज़ों का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो भाई तुम्हारी जो है लीडर बोर्ड में कभी भी टीम नहीं आ सकती या फिर गिल्ड नहीं आ सकती, क्योंकि गाइज कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है गाइज। हमारे गिल्ड में इस बार मिनिमम भाई 40 बंदे ऑनलाइन थे भाई, 40 बंदे कम नहीं होते किसी गिल्ड में एक टाइम पर ऑनलाइन रहना, ठीक है। तो भाई 40 बंदे होके भी भाई हम लोग बड़ी मुश्किल से 99 नंबर पर आए हैं, क्योंकि क्या सीन था ना, हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं कि हम लोगों को करना क्या था, फिर हमको पता चला तो भाई हमको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई हमको करना ये है। अभी हम नेक्स्ट टाइम से अच्छे ट्राई करेंगे भाई 99 से ऊपर थोड़ा जाए, 90 नंबर पे या फिर 80 से अंदर जो है 65 उस तरीके से जाए हम आगे, ठीक है। तो फुल ट्राई करेंगे गाइज, हमारे बंदे ही फुल सपोर्ट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो गाइज देखो सबसे मेन चीज जो पहला पॉइंट है ना गाइज, वो है कि तुम लोगों को अपनी गिल्ड के बंदे अच्छे भरने पड़ेंगे। देखो बहुत से बंदे की गिल्ड में क्या है कि भाई सारे सीएस प्लेयर या फिर सारे गेम प्ले वाले प्लेयर है या फिर सारे ऐसे ही प्लेयर है। देखो भाई अगर तुम्हारी गिल्ड में बंदे अच्छे नहीं है, ना ही तुम्हारी गिल्ड का लेवल इंक्रीज होने वाला है, ना ही तुम्हारी गिल्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है, और ना ही तुम्हारी गिल्ड जो है गिल्ड वॉर लीडर बोर्ड में टॉप पे आने वाली है, ना ही तुमको ये बैज मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले देखो तुमको बंदों के सिलेक्शन कैसे करनी है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी गिल्ड की किसी भी प्लेयर की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे समझ लो हम गोरेक्स भाई की ओपन कर लेते हैं, तो गाइस गोरेक्स भाई की प्रोफाइल पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को गिल्ड में हमेशा वैसा ही बंदा ऐड करना है जो कि थोड़ा बहुत बीआर खेलना जानता हो। देखो मैं जानता हूँ कि भाई बहुत सी जो गिल्ड होती है वो गेम प्ले पे बेस होती है, वो गेम प्ले पर रिलाई करती है, बट देखो गाइस गेम प्ले अच्छी चीज है मैं मानता हूँ, बट अगर तुम गेम प्ले वाले बंदे भरोगे गिल्ड में तो आप लोग की गिल्ड नहीं चलने वाली, ठीक है। थोड़ा बहुत तुमको एक्टिव बंदे भरने पड़ेंगे अगर तुम लोग लीडर बोर्ड वगैरह में टॉप में आना चाहते हो। तो देख सकते हो गाइस हमारी गिल्ड का जो बंदा है ये, इसके 4431 पॉइंट है अभी के टाइम पे बीआर में, एंड 100 स्टार इसने उसमें भी कर लिया सीएस रैंक में, ठीक है। तो गाइज ऐसे बंदे तुमको भरने हैं जो थोड़ा बहुत बीआर खेलना जानते हो, उनके साथ तुम पर्सनली एक दो गेम खेलो, फिर तुम उनको गिल्ड में लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और गाइज हाँ, अगर तुम्हारी गिल्ड में कोई बंदा नहीं आता तो तुमको एक उपाय मैं आप लोग को बताता हूँ, जहाँ से आप लोग बहुत अच्छे अच्छे बंदे अपनी गिल्ड में ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो मैं आप लोग को बता देता हूँ।
तो गाइज आप लोगों को करना क्या है, अपनी गिल्ड की सेटिंग में आप लोग को चले जाना। जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको मिनिमम लेवल 50 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को 50 से नीचे बंदे चाहिए तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सीएस रैंक आप लोग जितनी ज़्यादा कम रखोगे उतना, सीएस रैंक से वैसे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ने वाला अगर तुम गिल्ड वॉर लीडर बोर्ड में आना चाहते हो। बट अगर तुम एक्टिवेटेड लीडर बोर्ड में आना चाहते हो या फिर अपनी गिल्ड का लेवल इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग सीएस रैंक और बीआर रैंक दोनों के प्लेयर को लो ताकि तुम्हें दोनों में बेनिफिट हो। तो गाइज यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग हीरोइक या फिर डायमंड सेलेक्ट करके रख सकते हो सीएस रैंक में। बट आप लोग को बीआर रैंक में ऑलवेज गाइज जो है अपना हीरोइक सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हीरोइक लगाना बीआर रैंक में बहुत ज्यादा इजी है। वहां पर कोई भी बंदा हीरोइक लगा सकता है। अगर किसी बंदे से हीरोइक भी नहीं लगते तो समझ लो वो बंदा जो है पट है, बहुत ज्यादा बेकार खेलता है, ठीक है। तो भाई यहां पर आप लोग इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जाना है अपनी गिल्ड की सेटिंग में। यहां पर आप लोग को नीचे दिखेगा गिल्ड प्रमोशन, जहां पर आप लोगों का गिल्ड का नाम लिखा रहता है वहां पर नीचे गिल्ड प्रमोशन दिखेगा। आप लोग के 3000 कॉइंस जाने वाला, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके गिल्ड में अंधाधुंध रिक्वेस्ट आने वाली है। आप लोग ये सेलेक्ट कर लेना मिनिमम। भाई अगर देखो तुम्हारी गिल्ड थोड़ी सी कम लेवल की है, मान लो 2 लेवल 1 लेवल किया, तो भाई बहुत कम रिक्वेस्ट आने वाली है, मुश्किल से 10-20-30 आ सकती है। बट अगर आप लोग की लेवल 5 या 6 की है तो भाई आप लोग की अंधाधुन रिक्वेस्ट आने वाली है यहाँ पर। तो वहां से आप लोग गिल्ड में बंदे ऐड कर सकते हो। हाँ गाइज कुछ बंदे बहुत कुछ टाइम बाद लेफ्ट भी करेंगे गिल्ड को, तो उनको माइंड मत करना, फिर से आप लोग प्रमोशन लगा के नए बंदे ऐड कर सकते हो। एंड गाइज जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसको अच्छे से सुन लेना, अगर वो तुम्हारा जो अच्छे से नहीं है कंप्लीट तो फिर तुम्हारी गिल्ड जो है कभी भी लीडर बोर्ड में टॉप पर नहीं आ सकती। देखो भाई सेकंड जो पॉइंट है गाइज, वो बंदे क्या गलती करते हैं। देखो हर एक गिल्ड का लीडर या फिर हर एक गिल्ड का ऑफिसर जो है गलती करता है वो है गाइज कि आप लोग अपने नोटिस में जो है खाली लिख देते हो कि भाई आप लोगों को सैटरडे के दिन खेलना है 6:30 से 10:30 तक। बट गाइज ये चीज़ एकदम गलत है, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। आप लोग अगर सोचोगे कि भाई मैंने लिख दिया सारे बंदे पढ़ लेंगे और सारे बंदे फॉलो भी करने लग जाएंगे तो भाई कभी नहीं होगा। अगर आप लोग कोई बड़ी गिल्ड है या फिर जैसे वीवीएच वगैरह की है या फिर कोई तगड़ी गिल्ड है जैसे जिसको बीबीस में आने के लिए बंदे मरते हैं तो उस गिल्ड में थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ से नोटिस वाले से। बट अगर आपकी जो आप लोग यूट्यूबर वगैरह नहीं हो, नॉर्मल आप लोगों की गिल्ड है, तो आप लोग हमेशा क्या करना है, जैसे कोई भी बंदे को आप लोगों को इनवाइट करना है, जैसे हर एक बंदे को आप लोगों को अपने ग्रुप में इनवाइट करना है। और ये काम अगर लीडर या फिर एक्टिंग लीडर ऑफिसर वगैरह करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर लीडर करता है गिल्ड का तो ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप लोग की नॉर्मल सी गिल्ड है, क्योंकि ऑफिसर वगैरह कोई वैसे भी बात नहीं सुनता उतनी ज्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को हर एक गिल्ड के बंदे को बुलाना है, उनको बोलना है कि भाई 6:30 बजे से सैटरडे वाले दिन आप लोग को ऑनलाइन आना है एंड वहां पर तुम लोग को गिल्ड वार वाला मोड खेलना है, ठीक है। तो हर एक बंदे को जब आप लोग पर्सनली जाके बोलोगे एंड या फिर उनके नंबर आप लोग ले सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको सबको एक साथ ऐड कर सकते हो और वहां पर एक वॉइस मैसेज डाल सकते हो या फिर वहां पर आप लोग उनको बोल सकते हो कि भाई हाँ भाई आप लोगों को पुश करना है वहां पर, आप लोगों तुम लोगों को आना है वहां पर, आप लोग जबरदस्ती उनको फोर्स करके खिला सकते हो। एंड क्योंकि भाई उनसे बोल देना कि भाई तुम पूरे वीक ऑफलाइन रहना चाहे तो, बट सैटरडे वाले दिन ऑनलाइन आ जाना अगर आप लोग यहाँ पर गिल्ड वार वाले पे लीडर बोर्ड पाना चाहते हो। बट अगर आप लोग खाली लेवल इंक्रीज करना चाहते हो तो बस आप लोग को गिल्ड में वाले गिल्ड के बंदों को बोलना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ गेम खेलो, ठीक है। एंड जो सेकंड नंबर पॉइंट है गाइस, आप लोगों को बस ये सबको समझाना है। अगर आप लोग बिना समझाए भाई हर एक बंदे को बोलोगे नहीं, खाली आप लोग नोटिस में डाल दोगे तो भाई आप लोगों की गिल्ड वॉर में तो टॉप पे नहीं आने वाली, बट हाँ आपका लेवल इंक्रीज हो सकता है अगर आपके सारे बंदे। और हाँ गाइस तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बंदे अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों का गिल्ड का लेवल तो बढ़ने से रहा ना आप लोगों का गिल्ड वॉर का जो है पॉइंट्स बढ़ने वाले, वो है गाइस कि भाई आप लोगों को अपने गिल्ड के बंदों को बोलना है कि गिल्ड वाले बंदों के ही साथ में खेलो। अगर आप लोग के गिल्ड के बंदे अलग अलग बंदों के साथ में खेलेंगे, बंदों के साथ में खेलेंगे, तो ना ही आप लोगों के गिल्ड का लेवल बढ़ेगा ना ही उनको इंडिविजुअल ग्लोरी मिलेगी। जैसे आप लोग देख सकते हो ग्लोरी यहां पर तभी मिलती है जब तुम्हारे गिल्ड के बंदे जो है अपने गिल्ड के बंदों के साथ में खेलते हैं। लाइक मैं अपनी गिल्ड में वर्ड आर्मी अगर मैं अपने प्लेयर के साथ में खेलता हूं, पैनल भाई के साथ में खेलता हूं, गोरेक्स भाई के साथ में खेलता हूं, मैट्रिक्स भाई के साथ में खेलता हूं या फिर रेडॉक्स भाई के साथ में खेलता हूं, तो भाई मेरे को जो है गिल्ड ग्लोरी पॉइंट मिलेंगे। वो मिलेंगे कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, आप लोग जितना ज्यादा सर्वाइव करोगे, मान लो गाइस आप लोग एक रैंक गेम में गए हो और उस रैंक गेम में आप लोगों ने भाई मिनिमम 10 मिनट सर्वाइव करो तो उसके हिसाब आप लोगों को पॉइंट मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग 70 मिल सकते हैं, 80 मिल सकते हैं। और अगर गाइस उसी रैंक गेम में आप लोगों ने भुइया लगा दिया तो आप लोग को 120-130 तक भी मिल सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर भी आप लोग को मिल सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग उतरते ही मर जाते हो तो भाई आप लोग को 30-40 उतने भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सर्वाइव के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। एंड गाइस आप लोग यहां से लेवल बढ़ा सकते हो इस तरीके से, आप लोगों को बोलना है गिल्ड के बंदे सारे गिल्ड के बंदों के साथ में खेले। और गिल्ड वॉर वाले दिन आप लोग कैसे लीडर बोर्ड में टॉप पर आ सकते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूं, खेलना किस तरीके से है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस देखो गिल्ड वार वाले मोड के कब से ओपन होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस सैटरडे वाले दिन आप लोगों को अपनी गिल्ड के बंदों को बोल देना है कि भाई सारे बंदे 6:30 से 10:30 बजे के बीच में खेलते रहें गेम। और गाइस आप लोगों को एक चीज़ अपने बंदों को जरूर से जरूर बोल देना, ये चीज़ जो भी मेरे गिल्ड के बंदे देख रहे हैं वो जरूर से सुनना। भाई देखो क्या है कि भाई तुम लोग ना
भाई एक चीज़ को जरूर फॉलो करना कि भाई देखो क्या है, तुम लोग किल के पीछे पड़ना, तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो मैं भी गलती कर रहा था स्टार्टिंग में, हम लोग बुइया के पीछे पड़ रहे थे, बट भाई आप लोग को बुइया के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि बुइया के उतने ज़्यादा कुछ पॉइंट मिलते ही नहीं है। बट गाइज अगर आप लोग किसी गेम में 10 या फिर 15 किल मिलते हो तो उसके 4 गुना पॉइंट आप लोग को मिलता है, यानी कि आप लोगों ने अगर 10 किल करे हैं तो आप लोग को 40 पॉइंट मिलेंगे, एंड कुछ पोजिशन पॉइंट भी आप लोग को मिलते हैं 6, 7, 8, 10, तो आप लोग को मिनिमम 50 पॉइंट मिल जाएंगे एक ही गेम के, ठीक है। तो आप लोग जितने ज़्यादा किल करोगे तो आप लोग को क्या करना है, देखो मैं कैसे खेलना मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। ये चीज़ जितने ही मेरी गिल्ड के बंदे सुन रहे हो भाई, वो चीज़ वो जो है अच्छे से फॉलो करना। भाई तुमको करना क्या है, तुमको स्क्वाड बनानी है। तुम अगर देखो, तुम लोगों को दो तरीके से खेलना है, सबसे पहले तो गेम, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बंदे जो है अलग अलग रह के खेल सकते हैं, एक दो बंदा मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, तो भाई आप लोगों को अपने बंदों को बोल देना है कि भाई जाओ अलग अलग, जहाँ जाना है जाओ, बट आप लोगों को पॉकेट मार्केट रखना है। पॉकेट मार्केट जानते हो ना, यहाँ पर लोड आउट में जाओगे तो पॉकेट मार्केट से आप लोग अपने टीममेट को तुरंत के तुरंत रिवाइव कर सकते हो स्टार्टिंग के 6 मिनट में जब गेम स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आप लोग टोकन से मशीन से कर सकते हो या फिर रिवाइवल पॉइंट से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग जाने देना स्टार्टिंग के 6 मिनट बंदों को कि भाई अलग अलग जाओ, जितना किल कर सकते हो स्टार्टिंग के 6 मिनट में उतना करो, क्योंकि पॉकेट मार्केट तुम्हारे पास रहेगा, टोकन की कमी है ही नहीं अभी, तो वो जो है एक खंबा सा आ गया उस पर जाओ और भाई 200 टोकन मिल जाता है। खंबा सा क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, तो उसका पता नहीं नाम मैं भूल गया शायद, ठीक है। तो भाई आप लोग वहां से 6 मिनट के अंदर जितने किल कर सकते हो, हर एक टीम मेट को कोशिश करनी है कि भाई 15+ किल करे या फिर 10+ किल तो मिनिमम करेंगी। और यहाँ पर आप लोग के टॉप 5 गेम ही काउंट होने वाले हैं, गिल्ड वॉर में जितने भी पॉइंट आप लोग को मिलेंगे उसके टॉप 5 गेम ही आप लोग काउंट होंगे, सारे के सारे गेम काउंट नहीं होंगे। टॉप 5 मान के चलो गाइस, आप लोग ने अगर 10 गेम खेले, 10 गेम में से आप लोग अगर 5 गेम में जो है 5-10 के किल के बीच में किल करते हो, 5 से 10 के बीच में किल करते हो, एंड जो बाकी के बचे हुए 5 गेम है उसमें आप लोग 10-11-12-13 किल करते हो, तो आप लोग के हाईएस्ट जिसमें किल हुए हैं वो वाला गेम तुम्हारा काउंट होगा, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से वर्क करता है। तो भाई आप लोग को अपने बंदों को बोलना है अलग अलग रह के खेलो। और हाँ गाइस, अगर आप लोग के बंदे बहुत ज्यादा नूबड़े हैं, जा जाके मर जा रहे हैं अलग अलग, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग के 6 मिनट तो उनको थोड़ा बहुत अलग अलग जाने देना, बट स्टार्टिंग के 6 मिनट के बाद आप लोगों को बोलना है कि भाई सारे बंदे साथ में हो जाओ और सारे बंदे रो मैप रोटेशन लेना एक साथ, सारे बंदे एक साथ रहना, बिल्कुल चिपक के रहना, और जहां भी बंदे दिखे एक दो बंदे, अभी तो गाइस देखो रिवाइव हो के बंदे आते रहते हैं, तो भाई किल की कोई कमी नहीं होने वाली, आराम से तुम लोग 10 किल प्लस इजिली गेम में कर सकते हो अगर आप लोग के बंदे में अगर थोड़ा बहुत गेम प्ले है तो। अगर नूबड़े हैं तो देखो भाई एक दो किल भी नहीं कर पाएंगे, वो तो अलग बात है, बट अगर आप लोग के बंदों के पास थोड़ा बहुत गेम प्ले है तो उनको बोलना कि साथ में रहकर खेलें और साथ में मैप में जोन में जाएं, और लास्ट तक तुम्हारे इजिली हर एक बंदे के जो है हाईएस्ट किल हो जाएंगे। गाइज देखो, तुमको कोशिश करना है कि भाई तुम लोग मिनिमम जो है 15 किल 20 किल, तो पूरी टीम के 20 किल से प्लस तो होने ही चाहिए, अगर 20 किल से कम है तुम्हारी पूरी टीम के तो भाई कहीं ना कहीं तुम लोग यहाँ पर लीडर बोर्ड में बहुत मुश्किल है टॉप में आना, क्योंकि देखो हमारे गिल्ड के बंदों को भी बहुत कम पॉइंट दे रहे हैं, मेरे भी खुद बहुत कम है, क्योंकि भाई किल पॉइंट यहाँ पर काउंट होते हैं। बट हाँ देखो, मैं हमको पता नहीं था स्ट्रेटजी, बस नेक्स्ट टाइम से हम लोग भी एकदम फुल एग्रेसिव होकर खेलेंगे, एकदम फुल किल करके खेलेंगे। तो जितने बंदे देख रहे हो भाई किल पे तुम लोगों को फोकस करना है, जहाँ भी बंदा रश कर दिया करना, बट 4 बंदों में मत घुस जाना अंधाधुंध, ठीक है। तो भाई ये तो थी टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकी गाइज आप लोग इस तरीके से अपनी गिल्ड का लेवल बढ़ा सकते हो, इस तरीके से अपनी गिल्ड को लीडर बोर्ड में टॉप पर लेकर आ सकते हो, एंड इस तरीके से ये वाला बैज ले सकते हो और झंडे वाला इमोट भी ले सकते हो, और इस झंडे वाली इमोट पे भाई नाम भी दिखता है अपना, देख सकते हो रिलीजन 98। अलग ही फीलिंग आती है गाइज की भाई हमने क्या ही महारत हासिल कर ली है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से तुम लोग भी पुश कर सकते हो गाइज। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और गाइज यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइज। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, यार बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अभी के टाइम पे, तो यार देखो 1 सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, एंड चैनल डाउन चल रहा है तो थोड़ा बहुत शेयर कर देना अपनी गिल्ड मेट वाले बंदों के साथ में, ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपनी गिल्ड मेट जो भी तुम्हारे गिल्ड के बंदे हैं उनको शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि वो लोग भी इजिली पुश कर सके, ठीक है। तो चलो गाइस बस यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।